इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में 13 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला हुआ। मुंबई के ऐतिहासिक ब्रबॉन स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने थीं। आईपीएल के 60वें मैच में पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 54 रनों से हरा दिया। प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पंजाब को ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था। पीवीकेएस ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद 9 विकेट पर 209 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में आरसीबी की टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी और 54 रन से मुकाबला गंवा बैठी। वहीं इस बीच इस मुकाबले में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जब एक बिल्ली साइड स्क्रीन पर जाकर बैठ गई। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला है क्या, बता दें आरसीबी की पारी के पहले ओवर में जब विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी क्रीज पर थे, बिल्ली स्क्रीन के ठीक सामने बैठी थी, जिसे देखकर डुप्लेसी पूरी तरह से चकित रह गए। बिल्ली कुछ देर तक स्क्रीन के सामने आराम से बैठी रही, जिसके चलते खेल रुका रहा। बिल्ली कुछ देर बाद वहाँ से चलती बनी, जिसके बाद खेल को शुरू किया गया। वहीं अब बिल्ली से जुड़े इस वाक्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुकाबले की बात करें तो टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 209 रन बनाए थे। जॉनी बेस्टो ने 29 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। वहीं लियाम लिविंगस्टन ने 42 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 70 रनों का योगदान दिया। आरसीबी की ओर से हर्षल पटेल ने 4 और वनिंदु हसरंगा ने 2 सफलताएं हासिल की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।